सुरेंद्र लांबा सीनियर कप्तान पुलिस हुशियारपुर ने दस्या कि मिति 4/1/2024 नु अमरीक सिंह पुत्र सतपाल सिंह वासी डडियाना कला हरियाणा पुलिस थाना हुशियारपुर ने मुखफसर बुल्लोवाल थाना हुशियारपुर नु एक बयान दिता सी कि उसका भरा संदीप कुमार सरपंच उर्फ चीना जो अड्डा सड़का विखे अपनी टाइलों की दुकान करता सी सवेरे करीब 10 बजे उसके भरा की दुकान ते 3 नौजवान आए जिन्हां च अनूप कुमार उर्फ विक्की पुत्र अश्वनी भी शामिल सी। 2 अणपछाते व्यक्ति मोटरसाइकिल ते सवार सन जिथे अनूप कुमार उर्फ विक्की ने संदीप कुमार ते हैंड पिस्तौल नाल फायर कर दिता जो कि उसके भरा की छाती के सज्जे पासे वज्जा। मौका देख के दोषियों वालों उसके हाथ के पिस्तौल चो कुल 3 राउंड फायर किए गए जिस तो बाद दोषी उसके भरा नूं गालां कढ़दे हुए मौके तो फरार हो गए। उसके भरा नूं तुरंत KDM अस्पताल ले जाया गया जिथे डॉक्टरों ने उसनों मृतक ऐलान दिता। दोषियों ते मुकदमा नंबर 1 मिति 4/1/2024 असला एक्ट थाना बुल्लोवाल विखे दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने तो तुरंत बाद CIA अते स्थानक पुलिस दी वक-वक टीमा बना के दोषियों की गिरफ्तारी लई कप्तान पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगवाई छापेमारी की गई। इन्हां दोषियों चों पुलिस ने अज तड़के एक दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 दोषियों की भाल की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिला पुलिस मुखी ने दस्या है कि बाकी रेंदे 2 दोषी भी जल्द गिरफ्तार कर ले जाएंगे। जी कल बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट होया जिदे विच संदीप कुमार जी जो डडियाना कला के सरपंच सीगे उन्हां दी गोलियां मार के हत्या कर दित्ती गई है। जिदे संबंध विच जिहड़ा हैगा इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन टेकअप करदे हुए उन्हां दे परिवार दे बयानां ते एक FIR अंडर 302 दर्ज किया गया पुलिस स्टेशन बुल्लोवाल। तो उस तो बाद साड़ी जिहड़ी हैगी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही हैगी ते करदे हुए जिहड़ा हैगा उह काफ़ी सारे क्ल्यूज साड़ी टीम नूं सामने आए। जिहड़ा FIR दर्ज किया गया वो एक दोषी अनूप कुमार एलियास विक्की ते बाई नेम ते बाकी अननोन्स ते किया गया सीगा। ते सारी टीम ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिहड़े तीनों जिहड़े प्राइमरी दोषी हैगे इस मर्डर दे उन्हां नूं आइडेंटिफाई किया जिन्हां की पहचान एक अनूप कुमार एलियास विक्की दे रूप च, दूजा एक मनीष कुमार एलियास मनप्रीत कल्याणपुर दा रहण वाला उहदे रूप च, ते तीजा एक रोहित एलियास सूरज कुमार जड़ा लोकल हैगा रहने वाला उदे रूप से की गई। इन्हां दी पहचान करन तो बाद सारी टीम्स ने जड़ा हैगा वक वक थावां ते असी 10 टीम्स इस केस नू इन्वेस्टिगेट करन वास्ते ते जड़े दोषी हैगे उन्हां नू एज सून एज पॉसिबल एप्रीहेंड करन वास्ते जड़ी हैगी डिप्यूट की। बड़ा क्लोजली जड़ा हैगा ऑपरेशन साढ़े SPD साहब ते मैं पर्सनली मोनिटर कर रहे हैं। DIG साहब साढ़े जलंधर रेंज सानू गाइड कर रहे हैं इस चीज़ से। तो असी जड़ा हैगा लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग जड़ा हैगा एक दोषी सूरज कुमार एलियास रोहित नू इहदे विच फड़न च कामयाब रहे हैं। तो हुण उस तो फरदर पूछताछ चल रही है। जिहड़े बाकी दोषी हैगे उन्हां दे पेरेंट्स तो भी असी जड़ा हैगा वो आगे पूछताछ करते हुए इन्हां नू ट्रेस करन की कोशिश जारी हैगी। जिहड़े पेरेंट्स हैगे परिवार हैगा रिश्तेदार हैगा या और जिहड़े उन्हां दे हाइड आउट्स हैगे उन्हां तो असी पूछताछ कर रहे हैं सो दैट कि उन्हां दे बारे उन्हां दे क्ल्यू लग के ते असी उन्हां नू एज सून एज पॉसिबल अप्रेंट कर सकीए। परिवार वल्लों जिहड़ा सी अज 12 बजे तक दा अल्टीमेटम दित्ता गया सी कि अगर तीनों दोषी ना फड़े गए तो शहर नू दुबारा बंद कराया जाऊगा। सर क्या उहदे विच तुसीं अलाउ करोगे इस चीज़? देखो इदा हैगा कि जिहड़ी गल है कि पुलिस नीड्स टाइम टू परफॉर्म और कल भी असी गल कीती सीगी ते उह सारे लोकां ने जथेबंदियां ते जिहड़े सीगे आगू उन्हां नाल गल करके जिहड़ा हैगा उह बड़ा कल लेट नाइट तक अर्ली मॉर्निंग जिहड़ा हैगा साडी टीम्स ने काम करदे होए आ एक दोषी फड़िया हैगा। बाकियां बारे भी सानूं वाइटल क्ल्यूज़ हैगे जल्दी जो जिहड़े दोषी हैगे ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਆਲਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਸਰ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਿਵ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਜੀ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੋਟਿਵ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 2 ਖੋਲ ਸਾਨੂੰ 0.32 ਬੋਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ 32 ਬੋਰ
पिस्टल यूज किया गया है। जिहड़ा उत्थे मौके ते जिहड़ी गल दसी है कि वह सानू तीन तो चार राउंड बारे दस्या गया, जिहड़े खोल सानू मिले है वह दो खोल मिले है, बाकियां बारे जिहड़ा है असीं इन्वेस्टिगेशन करके उत्थे सर्च वगैरह कराई हैगी बट और इन्वेस्टिगेट करांगे। सर इन्हां दा कोई पहला कोई क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड वगैरह जिहड़ा बंदा असीं फड़िया हैगा उहदा एज ऑफ नाउ सानू प्राइम अप चाहिए, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया कि अर्ली मॉर्निंग असीं उहनूं अप्रेंट किया है तो हाले असीं पूछताछ कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, बाकी असीं पूछताछ कर रहे हैं। जिहड़े बाकी दोषी जिहड़े हैगे उन्हां बारे भी असीं पूरी पड़ताल कर रहे हैं कि भी उन्हां दा की रिकॉर्ड हैगा। तो जिस तरह कल तो होया सी मर्डर होया उस वेले उन्होंने जाम लगा के सारा बंद करना कि जायज़ हैगा होशियारपुर नूं जिहड़ा शहर नूं बंद करना इस तरह, जबकि पुलिस नूं इस चीज़ दा ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होई सी, जे ना करदी पुलिस फिर तां चलो करदे वी बंद। देखो असी अपना जिहड़ा काम हैगा रोल साडा हैगा कि दोषी जिहड़े हैगे अनफॉर्चुनेट घटना हुई तो उहदे दोषियों नूं तुरंत जिहड़ा हैगा फड़ के सख्त तो सख्त सज़ा दिलाई जाए, तो उत्ते असी काम कर रहे हैं। जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैगी वह पीसफुल रखी जाएगी, किसी भी हालत में किसी भी बंदे नूं जिहड़ा हैगा वह लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ च नहीं लेण दित्ता जाएगा। जिहड़े कोई फोर्सफुल बंदी तुहाडी तुसीं गल कर रहे हो, वी कैन नॉट अलाउ फोर्सफुल जिहड़ा हैगा। तो कुछ थावां ते कल इस तरीके की गल हुई सी, असी जथेबंदियां दे नाल इंगेजमेंट च हैगे तो होपफुली इस तरीके की कोई गल सामने नहीं आएगी। दे ऑलसो अंडरसटैंड कि इमोशनली थोड़ा सरचार्ज माहौल हैगा, बट दे ऑलसो अंडरसटैंड कि पुलिस ने जिहड़ा हैगा बड़े टाइम कंस्ट्रेंट से जिहड़ा हैगा एक बंदा फड़ लिता हैगा, तो उस तो बाद जिहड़े बाकी बंदे फड़न वास्ते भी डेफिनेटली पुलिस नूं टाइम मिलेगा तो पुलिस फड़े। बंद नूं लैके अज भी शहर वासियों दे विच काफ़ी मान लो डर आ, तो की शहर वासियों नूं किसने देना चाहूंगी? देखो मैं तुहानूं दसी गल फिर कि कोई भी किसी भी तरीके का फोर्सफुल बंद या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ च लेने की कोई कोशिश करेगा या शरारत कोई करने की कोशिश करेगा दैट विल नॉट बी अलाउड। जिहड़ा उन्हां दा इमोशनल गुस्सा हैगा या गल हैगी तो वह कहण दी रखण दी गल हैगी तरीका हैगा वह साडी असी इंगेजमेंट च हैगे परिवार दे नाल ते जथेबंदियां दे नाल ते बंदा भी असी फड़ लिया हैगा ते डेफिनेटली जिहड़ा हैगा उहदा पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरीके की चीज़ मैं लगता कि जथेबंदियों इंगेजमेंट करके असी वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट।